अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ग्रुप थ्री का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म जो है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ग्रुप थ्री के अंदर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ग्रुप थ्री का जो सबसे बेसिक जो टर्म जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होकर हमें आंसर मिलता है। इसके अलावा एक यूनरी ऑपरेशन भी होता है। यूनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो सिंगल एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है। जैसे हम किसी एलिमेंट का स्केयर ले लेते हैं, उसका क्यूब ले लेते हैं, उसका स्केयर रूट ले लेते हैं। इसके अलावा इस तरह के मतलब जो एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो वो हमारे पास यूनरी ऑपरेशन होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए दो एलिमेंट का होना जरूरी है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना बेसिकली एक फंक्शन होता है किसी सेट के ऊपर जिसकी जो डोमेन होती है वो ए क्रॉस है, यानी कि सेल्फ कार्टीजन प्रोडक्ट होती है, और उसकी जो कोर डोमेन होती है वो सेट हमारे पास पूरी ए के इक्वल होती है। डेट इज ये उसकी मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास के जो हम बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको हम इस तरीके से जो है ना वो स्टेरिक यहाँ पे एक फंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है जिसकी डोमेन ए क्रॉस ए है और ए है। तो ए क्रॉस ए का मतलब है कि आपने कार्टीजन प्रोडक्ट लिया है सेट की इटसेल्फ। तो अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बात करूं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि आप किसी सेट से दो ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी। स्टेरिक ये जो फंक्शन है ये इस ए और बी के ऊपर अप्लाई होता है, ए स्टेरिक बी, और हमें आंसर मिलता है सी सपोज। और वो सी जो है वो उसी सेट का ही कोई तीसरा एलिमेंट होता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास हर ऑर्डर पेयर के लिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज मौजूद हों तो हम कहते हैं कि वो जो एक ऑपरेशन है वो उस सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इन सब के ऊपर एडिशन जो है ना वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है? क्योंकि अगर हम इन सेट्स में से कोई से दो एलिमेंट ले लें, लेट्स सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आप उसमें 10 और 15 ले लें, इनको ऐड करें तो आपके पास 25 आता है, और 25 अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। अब आप सोच के देखिए क्या ऐसे आप ऑर्डर पे ढूंढ सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जिनको ऐड करें और आंसर हमारा इसमें से ना आए? तो यकीनन ऐसा कोई भी आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। तो एडिशन इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम यहीं पे सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आप दो एलिमेंट पिक करें, लेट्स सपोज 10 और 20 है, तो जब आप उनको माइनस करेंगे 10 माइनस 20 तो -10 आएगा। अब -10 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर के ऊपर होगा, सॉरी होल नंबर के ऊपर भी नहीं होगा, सेट ऑफ जो है रैशनल नंबर उसके ऊपर ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी जो है ना वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप कोई भी सेट आपको दे दिया जाए आप उसमें से आप चेक कर सकते हैं। आप ये देखें कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ऑर्डर पेयर्स के ऊपर, क्या आप उनके ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और आपको आंसर जो है वो उस सेट्स में से ना मिले। तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। ये चीज इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है कि एक ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन कब होता है। तो इसका ये आंसर होता है कि आप उसके हर ऑर्डर पेयर के ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करें और आपको आंसर अगेन उसी सेट से ही मिले तो हम कहते हैं कि वो जो एक ऑपरेशन है वो सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब एडिशन इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ ऑड नंबर। अब आप दो ऑड नंबर ले रहे हैं 3 और 7, इनके ऊपर एडिशन हम लगाते हैं, ऑपरेशन जो है 3 प्लस 7 10 आया। अब 10 तो एक इवन नंबर है, 10 तो ऑड नंबर से बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब हमें एक सेट ऑफ ऑड नंबर से एक पॉसिबिलिटी ऐसी मिली है, और भी मिल सकती है तो, लेकिन हमने क्योंकि डिसप्रूव करना है तो हमें एक ही पॉसिबिलिटी काफी है कि हमने ऐड किया और आंसर हमारा ना उसी सेट से नहीं आया। 0 ये सेट ऑफ ऑड नंबर है कि 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ ऑड नंबर। अब जो बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तीन चार तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एक सेट दे दिया जाता है। अब कुछ सेट तो बेसिक सेट हैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स का सेट है, रैशनल है, इरेशनल, उनके लिए तो इजी होता है। लेकिन सम टाइम ना सेट कुछ और तरीके से डिफाइन किया दे देता है। जैसे ये मैंने एच एक सेट डिफाइन किया है एन स्केल, और एन जो है ना वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। अब ये सेट है किस तरह का? इस सेट के अंदर स्केयर्स पड़े हुए हैं। अब देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, इन सब के स्केयर ले लें। 1 का स्केयर 1 है 2 का स्केयर 4 है 3 का स्केयर जो है वो 9 है 4 का स्केयर, तो हमारे पास इसमें स्केयर पड़े हुए हैं। तो बेसिकली एच के अंदर 1 पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है 9 पड़ा हुआ है, यानी एच के अंदर वो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो किसी पॉजिटिव नंबर का स्केयर होगा, तो ये हमारे पास एच है।
अब हम चेक करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम सबसे पहले एडिशन देखेंगे। अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूँ वन स्केयर और टू स्केयर, और इनको मैं जब मैं ऐड कर दूँ तो फाइव आंसर है। फाइव तो किसी का भी स्केयर नहीं है, तो इसका मतलब फाइव जो है वो एट से बिलोंग नहीं करेगा। तो प्लस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एच, ये प्लस इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये नॉट आंसर यहाँ पे इसके साथ। अच्छा जी, सबट्रैक्शन आप चेक कर लें, सबट्रैक्शन भी इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए एक मैं जनरल प्रूफ यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर है, दो एलिमेंट हैं जो हमने एच से लिए हैं, उनके ऊपर आपने मल्टीप्लाई अप्लाई किया, उसको हम एक्स स्केयर डॉट वाई स्केयर आएगा, और उसको हम एक्स वाई का स्केयर लिख सकते हैं, तो ये एक नंबर का स्केयर बन गया। तो ये इसका मतलब है कि ये एच से बिलोंग करता है। तो इस सेट के ऊपर जो है ना मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन वगैरह वो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये पहले टाइप का ये होता है कि आपको एक सेट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो उसको आपने चेक कर लेना है। अब दूसरा जो टाइप है ना, उसमें आपको एक ऑपरेशन दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि वो किस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि पहले एक सेट दिया हुआ था और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पूछा हुआ था। अब एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और सेट के बारे में पूछा हुआ है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 बाय 5, ये किस सेट के ऊपर। अब देखिए फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन आ गया, तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, उनके ऊपर तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि उनमें ये फ्रैक्शन नहीं होती। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर जो है वो फ्रैक्शन पड़ी होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो कि पेपर में पूछा भी हुआ था, ये 17 या 15 के पेपर में, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। आपसे पूछा जाता है कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आप आइडेंटिटी एलिमेंट बताएं और किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का इनवर्स बताएं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने कैसे फाइंड करना है, ऑपरेशन आपके पास गिवन है ए स्टेरिक बी, ऑपरेशन आप पहले समझे कि ऑपरेशन है क्या, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 5। तो आपने बताना है कि इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी। आइडेंटिटी जो होता है ना वो ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर अंडर एडिशन है तो जीरो आइडेंटिटी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो वन आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना वो ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ना आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें पता है कि अगर ई आइडेंटिटी है तो ई ने जिसके साथ भी ऑपरेट होना है वही आंसर आ जाएगा। ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो एलिमेंट के अंदर चेंज नहीं लेके आता, उसको फिक्स कर देता है वो। तो ए स्टेरिक ई हमें पता है कि ए के इक्वल है, ए स्टेरिक ई को आप इस फॉर्मूले से ओपन कर लें इस ऑपरेशन से और ई की वैल्यू -5 निकाल लें, तो इसका मतलब है अगर इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो तो उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी वो -5 होगा। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं 5 की जहाँ पे 6, 7 माइनस में कुछ लिख दूँ तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, आप डिफरेंट ऑपरेशंस की आप आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है, जैसे आप 10 का इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर पेपर में आइडेंटिटी पूछी जाती है फिर तो आपने वो निकालनी ही निकालनी है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का इन्वर्स पूछा जाए तो फिर भी आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो आपने आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे उसने पूछा है चाहे नहीं पूछा। अच्छा जी, इनवर्स हम फाइंड करना चाहते हैं 10 का। तो सपोज करते हैं जी 10 का इनवर्स जो है वो b है। तो अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आता है। तो 10 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऑपरेट करेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बी स्टेरिक 10 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी जो है वो -5 के इक्वल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको ओपन करें इस ऑपरेशन से तो बी प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू -5 और बी का आंसर आ गया -20। इसका मतलब है कि इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से 10 का जो इनवर्स है वो -20 है। तो ये पेपर के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कि कोई ऑपरेशन देख ना आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है और इनवर्स के बारे में, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के इनवर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि जी किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कितने डिफाइन हो सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना हमारे पास, इसका ये फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन हो एफ ए से बी के ऊपर, तो नंबर ऑफ जो फंक्शन होते हैं ना वो सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसकी आप पावर ले लें सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं। तो ये नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास निकाल लेते हैं। तो हमने इस मैपिंग के, इस फंक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। कोड डोमेन में हमारे पास ए पड़ा हुआ है, तो सपोज करते हैं ए के अंदर एन एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर एन स्केयर एलिमेंट हो जाएंगे। तो बी की पावर ए, ये फॉर्मूला अगर लगाएं तो ए के अंदर एन है और ये एन स्केयर है, तो एन की पावर एन स्केयर, ये इतने हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं किसी सेट के ऊपर।
लेट्स सपोज अगर ए हमारे पास तीन है, कोई तीन एलिमेंट का सेट है, और पूछा जाता है कि आप इसके अंदर कितने फंक्शन कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो आपने इसमें बताना है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो है ना थ्री थ्री स्केयर, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इतने, यानी सिर्फ तीन एलिमेंट का सेट होगा उसके ऊपर हम इतने फंक्शन जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। दो के आप कैलकुलेट कर लें, चार के कैलकुलेट कर लें, तो बहुत ज्यादा ये बन जाते हैं। अच्छा, ये बाइनरी क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आपको मैंने बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि हम कहते हैं कि डिफाइन करते हैं कि बाइनरी क्वेश्चन इज अ फंक्शन, तो पूछा ये जाता है कि जी इसमें और फंक्शन में क्या फर्क है, कि बाइनरी क्वेश्चन एक फंक्शन है तो फंक्शन और बाइनरी क्वेश्चन में क्या फर्क हुआ। तो याद रखिएगा कि जो फंक्शन होता है ना उसकी डोमेन कुछ भी हो सकती है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन की डोमेन फिक्स है। बाइनरी ऑपरेशन की डोमेन हमेशा ए क्रॉस है, यानी कि जिस सेट के ऊपर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं वो उसकी सेल्फ कार्टीजन प्रोडक्ट, वो उस बाइनरी ऑपरेशन की डोमेन होती है। जबकि फंक्शन की डोमेन कुछ भी हो सकती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी उसकी हो सकती है। ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वो फंक्शन की एक टाइप है जिसके अंदर जिसकी डोमेन ये होती है, मतलब ए क्रॉस ए। ए कोई स्पेसिफिक सेट नहीं है, जनरल मैंने यहाँ पे यूज किया है इसको, कोई भी सेट जिसके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर रहे हैं उसकी सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड हमारे पास एक ऐसा सेट होता है कि जिसके ऊपर जिस सेट के ऊपर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सेट एक ग्रुपॉइड है। जैसे ही हमारे पास स्पेस आर क्यूब है तो ये ग्रुपॉइड होती है अंडर क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो भी एक वेक्टर ही होती है। तो इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट उस सेट के ऊपर जो है ना वो एक बाइनरी ऑपरेशन के तौर पर डिफाइन की जा सकती है। तो वो हमारे पास स्पेस आर क्यूब जो है ना ये एक ग्रुपॉइड है। ऑड नंबर हमने देखा था कि उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑड नंबर जो होते हैं ना वो ग्रुपॉइड नहीं होता अंडर एडिशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक अगर अंडर एडिशन ग्रुप पॉइंट नहीं है तो हो सकता है कि वो अंडर सब्ट्रैक्शन हो सकता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। तो हम हर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से अलग-अलग चेक करेंगे ग्रुप पॉइंट के लिए। और ग्रुप पॉइंट और क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों एक ही चीज है, कि अगर कोई सेट है उसके ऊपर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वो सेट क्लोज है अंडर एडिशन, या वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन। तो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है दोनों। उसके बाद हमारे पास सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप जैसे आप नाम से देख सकते हैं, आधा ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं। अब सेमी ग्रुप से क्या मुराद है कि आपके पास एक ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड से मीन्स है कि एक सेट है जिसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइन है। हमने जस्ट ये चेक करना है कि उसके ऊपर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मीन दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक सेमी ग्रुप है। जैसे ये पावर सेट है, पावर सेट की एग्जाम्पल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। पावर सेट जो है ना इनके ऊपर अंडर यूनियन और अंडर इंटरसेक्शन ये ग्रुपॉइड बनाते हैं, तो ये एक ग्रुपॉइड हो गया हमारे पास। तो ये एसोसिएटिव भी होते हैं ये वाले दोनों, तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि हम सेमी ग्रुप सिर्फ उसी को चेक करेंगे जो ग्रुपॉइड होगा, जो ग्रुपॉइड नहीं होगा हम उसको सेमी ग्रुप नहीं चेक करेंगे। तो ये पावर सेट जो होता है वो अंडर यूनियन और अंडर इंटरसेक्शन जो है वो सेमी ग्रुप बनाता है। स्पेस आर क्यूब जो है ना वो सेमी ग्रुप नहीं है, तो ग्रुपॉइड तो है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। मैंने तीन वेक्टर लिए हैं ए बी सी, ए आई लिया, बी को जे लिया और सी को जी बी जे लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब मैंने चेक की दोनों तरफ से, एक तरफ जीरो आंसर आया और एक तरफ माइनस आई आंसर आया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं होते। तो स्पेस आर क्यूब जो होती है ना वो एक ग्रुपॉइड होती है, वो सेमी ग्रुप नहीं होती। जबकि जो पावर सेट्स होते हैं वो अंडर यूनियन और अंडर इंटरसेक्शन जो होते हैं वो सेमी ग्रुप होते हैं। ये आपको मैं कुछ एक तो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, बाकी आप खुद से आप देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, जितने भी आपको सेट मिलते हैं आप चेक करें कि उनके प्रोपरेशन कौन से डिफाइन है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। इसी डेफिनेशन होती है हमारे पास मोनॉइड। मोनॉइड हम कहते हैं ऐसा सेमी ग्रुप, मीन्स हम एक सेमी ग्रुप को मोनॉइड चेक करेंगे जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मौजूद हो, हम कहते हैं कि वो एक मोनोइड है। तो मोनोइड के अंदर टोटल तीन प्रॉपर्टीज हो गई कि सेट के ऊपर एक तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, और तीसरा उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट जो होता है ना वो अंडर यूनियन एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है, आप जिस सेट की मर्जी, जिस सेट की आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे ना वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा।
ठीक है, ए यूनियन एम्प्टी सेट ए होता है मेरे पास, बी का ले लें सी का ले लें, पावर सेट के किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट का जब आप फाई के साथ यूनियन लेंगे तो वो सेट इटसेल्फ आएगा, और यही आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो एम्प्टी सेट जो होता है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर यूनियन। अच्छा, और जिस सेट के ऊपर आपने पावर सेट डिफाइन किया है एस, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब जिस मर्जी एलिमेंट का एस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट एस के सबसेट होंगे, और जब किसी सबसेट की सुपरसेट के साथ इंटरसेक्शन ली जाती है तो वो सबसेट ही हमारे पास आंसर आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इनमें मौजूद है, तो ये पावर सेट जो है ना अंडर यूनियन अंडर इंटरसेक्शन जो है ना एक मोनॉइड बनाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मोनॉइड नहीं है अंडर एडिशन, क्योंकि अंडर एडिशन जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता, तो ये हमारे पास एक मोनॉइड नहीं है। अब हम अपनी मेन डेफिनेशन पे है ग्रुप। ग्रुप हम कहते हैं ऐसा मोनोइड, यानी कि ऐसा सेट लेंगे जो तीन प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा होगा। हम उसमें जस्ट एक फोर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, क्योंकि 1 के लिए -1 इसमें होता है, 2 के लिए -2 होता है, 3 के लिए -3 होता है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर भी ग्रुप है। अगर और सेट ऑफ रैशनल नंबर में से 0 निकाल दें तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है। अगर हम सिंपल सेट ऑफ रैशनल नंबर लें ना 0 इंक्लूडिंग 0, तो वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाता जब तक उसमें से 0 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। पावर सेट जो होते हैं वो ग्रुप नहीं बनाते, क्योंकि एलिमेंट्स का उसमें इनवर्स नहीं पड़े हुए। मींस अंडर यूनियन आपको कोई एक ऐसा सेट नहीं मिलेगा कि आप जिसके दूसरे सेट के साथ यूनियन ने और एम्प्टी सेट आ जाए आपके पास, ऐसा कोई सेट नहीं है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसा है। तो ग्रुप के अंदर टोटल चार प्रॉपर्टीज हो गई। सबसे पहले ये है कि उसको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंडली उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, और लास्ट वन ये है कि हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं कि सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो यूनिक होता है, एक ही होता है एलिमेंट, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। सिमिलरली जो इनवर्स होता है ना, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक इनवर्स जो है वो दो एलिमेंट का हो। हर एलिमेंट का अपना, या तो वो सेल्फ इनवर्स होगा या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो इनवर्स किसी और का नहीं होगा। इनवर्स जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो हमारे पास एक यूनिक होता है। उसके बाद ये चार प्रॉपर्टीज हो गई। हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। एक ग्रुप पहले एक सेट लिया, सेट के ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, उसको हमने ग्रुपोइड कह दिया। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिफाइन की, उसको हमने सेमी ग्रुप कह दिया। फिर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की, उसको हमने मोनोइड कह दिया। फिर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की, उसको हमने ग्रुप कह दिया। चार प्रॉपर्टीज हो गई। अब चार प्रॉपर्टीज के बाद अगर हमारे पास एक पांचवी प्रॉपर्टी कोमोडिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही हो कि ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप जो है ना एक अबेलियन ग्रुप है। तो पांच प्रॉपर्टीज हो गई। फिर हम एक छठी प्रॉपर्टी उसमें लगाते हैं कि अगर वो ग्रुप के जो तमाम एलिमेंट हैं आप उसको किसी एक सिंगल एलिमेंट की मदद से लिख सकते हो तो वो ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होते हैं। यानी कि हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक ग्रुप है जिसे हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस यूटा। इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं यूटा की पावर 4, तो योटा पावर 4 1 होता है। -1 को हम लिख सकते हैं योटा स्केयर, ये योटा वैसे आ गया, और ये माइनस योटा जो है वो योटा क्यूब। तो ये चार एलिमेंट को मैंने एक सिंगल आयोटा की डिफरेंट पावर की मदद से जनरेट कर दिया। इसका मतलब है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो और जिस आयोटा जो है ना वो इसका जनरेटर है, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट को आप एक सिंगल एलिमेंट की मदद से जनरेट कर सकते हो, तो हम कहते हैं कि वो एक ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप के ऊपर हम एक अलग से सेशन रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से भी, और लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़े से पॉइंट, जो 2-3 पॉइंट है जो हम यहाँ से समझ सकते हैं इसको देख के, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 है। सबसे पहले हम ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो उसका ग्रुप का ऑर्डर होता है। और एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है ना वो ये होता है कि उस एलिमेंट की वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर जिस पर वो आइडेंटिटी आंसर दे दे, हम कहते हैं कि वो एक उस एलिमेंट का वो ऑर्डर है। जैसे ये है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में चार एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर 4 हुआ। 1 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो याद रखिएगा कि 1 का ऑर्डर हमेशा 1 होता है।
ये पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, एमसीक्यू के में पूछ लिया जाता है, तो वन का ऑर्डर हमेशा वन होता है। माइनस वन का आप स्केयर लें तो वन आ जाता है, जिसका मतलब माइनस वन की जो लीस्ट पावर टू ऐसी पावर है जिस पर वो आइडेंटिटी देता है, तो माइनस वन का ऑर्डर जो है वो टू है। अयोटा की आप पहले टू पावर लें वो माइनस वन आया, फिर अयोटा की थ्री पावर लें वो माइनस योटा आया, फिर अयोटा की फोर पावर लें तो वो वन आ गया। इसका मतलब ये है कि अयोटा की जो लीज पावर है ना वो फोर पे जाके वो आइडेंटिटी आंसर देता है, तो अयोटा का जो ऑर्डर होगा वो फोर होगा। अब देखिए वो एट पे भी वन देगा, ट्वेल्व पे भी वन देगा, सिक्सटीन पे भी वन देगा, तो लेकिन हमने लीज पावर देखनी है और लीज पावर इसकी फोर है जिस पर उसने हमें आइडेंटिटी आंसर दिया है, तो अयोटा का ऑर्डर जो है वो फोर है। और दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा कि एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, तो अयोटा का जो इनवर्स है अंडर मल्टीप्लीकेशन वो माइनस योटा है, तो माइनस योटा का हमें इनवर्स ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अयोटा का अगर फोर है तो इसके इनवर्स का ऑर्डर भी जो है हमारे पास वो फोर होगा। अब यहाँ से साइक्लिक ग्रुप की दो तीन बातें थी। सबसे पहली बात ये थी कि ग्रुप का ऑर्डर फोर है, और अगर आप देखें तो योटा का ऑर्डर भी फोर है, तो साइक्लिक ग्रुप की एक पहचान होती है। ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि साइक्लिक अपने ग्रुप को देख के कैसे पता चलता है कि वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, तो उसका याद रखिएगा कि जो जनरेटर होगा ना उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ये साइक्लिक ग्रुप की पहचान है। अगर जनरेटर का ऑर्डर या किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो वो ग्रुप साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब अगर हमें ग्रुप दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये साइक्लिक है ये नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो ग्रुप साइक्लिक है, और जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है वो एलिमेंट जो है वो उस ग्रुप का जनरेटर है, जैसे ये हमारे पास है। अच्छा, हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है ना वो अबिलियन होता है, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला, तो अबिलियन साइक्लिक ग्रुप जो होता है ना वो अबिलियन भी होता है, और लेकिन अबिलियन जो होता है ना वो साइक्लिक नहीं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि ऐसा क्यों है, बस ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि साइक्लिक एक बड़ा स्ट्रक्चर है और अबिलियन छोटा स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक अबिलियन होता है, लेकिन अबिलियन साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो एलिमेंट जनरेटर होता है ना उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है उसके इनवर्स का भी वही ऑर्डर है, तो अगर एक एलिमेंट जनरेटर है तो उसका मतलब उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा, क्योंकि उसके इनवर्स का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ जी देन ए इनवर्स आल्सो जनरेटर ऑफ जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास और दो डेफिनेशंस हैं, एडम्पोटेंट एलिमेंट और इनवोल्यूशन एलिमेंट। एडम्पोटेंट एलिमेंट हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। एडम्पोटेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर वन होता है। अब ऑर्डर वन मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है, इसके अलावा किसी का भी नहीं होता। तो ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन ग्रुप इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवोल्यूशन एलिमेंट जो होता है ना ऐसा एलिमेंट ग्रुप का जिसका ऑर्डर टू हो। हमने ऑर्डर एलिमेंट के निकाले थे, किसी का टू था, किसी का थ्री था, फोर था। ऑर्डर टू के जितने एलिमेंट होंगे ना उन सब को हम इनवोल्यूशन एलिमेंट कहेंगे, और ये इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर मैं एक्स इनवर्स को दोनों तरफ अप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। इसका क्या मतलब है कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, कि जो इनवोल्यूशन एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर टू का एलिमेंट होता है, वो सेल्फ इनवर्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने याद रखने को, जब हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उसके एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके जहन में ऑटोमेटिक रिवाइज होनी चाहिए। मतलब जब भी हम ग्रुप देखें तो आपको फौरी पता होगा कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का क्या मतलब, ग्रुप के ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। फिर आपको एलिमेंट के ऑर्डर निकालने आने चाहिए। क्यों निकालने आने चाहिए? क्योंकि आप देख सकें कि वो साइक्लिक है या नहीं। फिर जो ऑर्डर टू का एलिमेंट होगा वो सेल्फ इनवर्स होगा, और फिर ऑर्डर टू का एलिमेंट को हम इनवोल्यूशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसके कितने, उसमें कितने इनवोल्यूशन एलिमेंट है किसी ग्रुप के अंदर, तो हमें क्या करना है, जस्ट उसमें ऑर्डर टू का एलिमेंट कैलकुलेट करना है कि वो कितने हैं। उसके बाद डेफिनेशन हमारे पास पी ग्रुप। पी ग्रुप के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जस्ट उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ कि अ ग्रुप जी इज कॉल्ड पी ग्रुप। एक ग्रुप को हम पी ग्रुप कहते हैं अगर ग्रुप के ऑर्डर को किसी सिंगल नंबर पावर, सिंगल प्राइम नंबर की पावर में हम लिख सकें तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप एक पी ग्रुप है। जैसे ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ग्रुप है फोर। फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्केयर, यानी टू एक प्राइम नंबर है, हमें एक सिंगल प्राइम नंबर ऐसा मिल गया जिसका स्केयर लें वो ग्रुप के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये ग्रुप एक पी ग्रुप है। जितने प्राइम नंबर के ग्रुप होते हैं वो सारे पी ग्रुप होते हैं, क्योंकि फाइव ऑर्डर का ग्रुप है अगर, तो फाइव पावर वन उसकी प्राइम नंबर की पावर लें तो वन के ही लेंगे पावर, तो वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अच्छा, सिक्स जो है सिक्स पी ग्रुप नहीं है,
क्यों नहीं है? ऑर्डर सिक्स का जो ग्रुप होगा ना वो बी ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें एक सिंगल प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पावर ले और सिक्स आ जाए। तो ये आपने थोड़ा सा फर्क रखना है कि अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया जाए और पूछा जाए कि ये पी ग्रुप है कि नहीं, तो आपने ये देखना है क्या ऐसा एक सिंगल नंबर हमें मिल सकता है जिसकी कुछ पावर लें, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, कि हमारे पास वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो एक पी ग्रुप है। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है ना, ये हमारे पास ग्रुप का अबिलियन पार्ट होता है। अब इसका क्या मतलब है अबिलियन पार्ट का? अबिलियन ग्रुप के अंदर जो डेफिनेशन हमने देखी थी कि अबिलियन ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें तमाम एलिमेंट जो होते हैं ना वो कम्यूट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक अबिलियन ग्रुप है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ग्रुप में तमाम एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे होते, कोई 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट कम्यूट कर रहे होते हैं। तो जितने एलिमेंट कम्यूट कर रहे होंगे उसको उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। मीन्स क्या है कि वो उस ग्रुप का अबिलियन पार्ट है, कि पूरे ग्रुप के एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे, लेकिन जो कम्यूट कर रहे थे हमने उनको सेपरेट एक उसका सेट बना लिया और उस सेट को हमने नाम दे दिया कि वो उसका अबिलियन पार्ट है और उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। तो ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जेड ऑफ जी, इसको जेड ऑफ जी सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ ग्रुप। के एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी इज इन सेंटर ऑफ जी, का एक एक्स जी का एक एलिमेंट एक्स जो है वो सेंटर में होगा। कब होगा? जब एक्स जो है कम्यूट विद ऑल अदर एलिमेंट ऑफ जी, जब एक्स जो है वो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि वो सेंटर का एलिमेंट है। और सेंटर हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, अगर कोई एलिमेंट भी कम्यूट ना करे तो एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो कम्यूट करती है, वो ट्रिवली सबके साथ कम्यूट करेगी। तो सेंटर के अंदर एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी मौजूद होगी, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप के सेंटर निकालते हैं तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रुप ही अबिलियन हो फिर क्या होगा? हम बात कर रहे थे अबिलियन पार्ट की, कि एक ग्रुप जो है वो अबिलियन नहीं है, उसके कुछ एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो वो कुछ एलिमेंट सेंटर में आ जाएंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप पहले से अबिलियन है यानी कि उसके सारे एलिमेंट ही कम्यूट करते हैं, तब सेंटर क्या होगा? तब उसका जो सेंटर होगा वो जी के ही इक्वल होगा, क्योंकि जी के तमाम एलिमेंट कम्यूट करते हैं तो वो तमाम के तमाम एलिमेंट ही सेंटर के अंदर आ जाएंगे, तो सेंटर जो है उसका वो जी के इक्वल होगा। कुछ ग्रुप ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास क्वार्टरनियन ग्रुप, जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं, 1 -1 i -i j -j k -k। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस Q8 इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन, इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन, और इसका जो ऑर्डर होता है ना वो 8 होता है इस ग्रुप का। ये नॉन साइक्लिक होता है, नॉन अबिलियन होता है। अब नॉन अबिलियन हमें कैसे पता चला है कि इसमें जो प्रोडक्ट है, अगर आप आई जे प्रोडक्ट लेंगे ना वो के इक्वल होगी। इसमें जो प्रोडक्ट होती है ना वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा, के आई को करेंगे जे आ जाएगा, और जे के को करेंगे तो आई आ जाएगा, और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो वो माइनस में आ जाएंगे। तो आई जे का आंसर के हो गया और जे आई का आंसर माइनस के हो गया, इसका मतलब है कम्यूट नहीं कर रहे, तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। अच्छा जी, फिर उसके बाद सेंटर, ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक क्यों है? क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर 1 होना है, -1 का ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसका स्केयर लें तो 1 आ जाता है। अच्छा, आई का ऑर्डर जो है ना वो 4 है, आई स्केयर -1 के इक्वल है, तो आई 4 जो है वो 1 के इक्वल है। जे का ऑर्डर भी 4 है, के का ऑर्डर भी 4 है। तो अगर आप गौर करें तो ग्रुप का ऑर्डर 8 है, लेकिन किसी एलिमेंट का ऑर्डर 8 नहीं है, तो मैक्सिमम ऑर्डर 4 है यहाँ पे, आई जे के, और -1 का ऑर्डर 2 है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट उसका ऑर्डर 1 है। तो ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि किसी ग्रुप का ऑर्डर भी उसके इक्वल नहीं है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास एक नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है ऑफ ऑर्डर 8। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट है -1, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इन्वोल्यूशन इज 1। फिर ये एक पी ग्रुप है, पी ग्रुप इसलिए है क्योंकि 8 को हम 2 raised power 3 लिख सकते हैं, कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी पावर 3 लें तो हमारे पास 8 के इक्वल है। अब सेंटर की बात कर लेते हैं, तो सेंटर हमने यहाँ पे देख लिया है कि आई जे के कम्यूट नहीं करते, आइडेंटिटी एलिमेंट तो कम्यूट का हमेशा करता है, और -1 भी कम्यूट करेगा, तो इसका जो सेंटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 1 and -1। तो ये इसका सेंटर है। तो ये अपने चीजें, आपको ग्रुप के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर, वो साइक्लिक है या नहीं, वो बिलियन है या नहीं, उसमें इन्वोल्यूशन कितने हैं, वो पी ग्रुप है या नहीं, उसका सेंटर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास क्लाइन 4 ग्रुप। तो क्लाइन 4 ग्रुप, सबसे पहले अपने याद रखना है ग्रुप ऑफ स्मिटीज ऑफ रेक्टेंगल होता है, ग्रुप ऑफ स्मिटीज ऑफ रेक्टेंगल। इसको हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में के ग्रुप ऑफ स्मिटीज क्या होती है। अगर आप YouTube पे थोड़ा सा सर्च करें ना ग्रुप स्मिट्रीज ऑफ शेप,
या किसी भी रेक्टेंगल कर लें, तो वो आपको ना एक एनिमेशन दिखाएगा जिसमें वो आपको दिखाएगा कि एक रेक्टेंगल है, उसको आप डिफॉर्म करें, उसको रोटेट करें, तो उसकी जो शेप होती है ना वो चेंज नहीं होगी, ओरिजिनल शेप उसकी चेंज नहीं होगी उसकी। तो अगर इस तरह की शेप हो कि आप मतलब एक आपके पास एक रेक्टेंगल है, आप उसको घुमा दें 90 की डिग्री के एंगल पे, तो आप देखेंगे कि उसने रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहना है, उसने उसने उसकी शेप चेंज नहीं हो जानी, तो वो उसको हम कहते हैं वो सिमेट्रीज है उसकी। तो ये जो क्लाइंट फोर ग्रुप होते हैं ना, ये सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल होते हैं। रेक्टेंगल क्यों होता है इसको पहले देख लेते हैं जी। वी फोर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट फोर ग्रुप को, और इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना वो ए बी और सी, सी लैदा से भी लिख लेते हैं, या ये तीसरा एलिमेंट सी जो है ना वो ए और बी की प्रोडक्ट होती है, और चौथा एलिमेंट आइडेंटिटी इसके अंदर होता है। इसमें सबके ऑर्डर टू होते हैं, ए का ऑर्डर भी टू होता है, बी का ऑर्डर भी टू होता है, सी का ऑर्डर भी टू होता है, सबके ऑर्डर टू होते हैं। तो अगर आप गौर करें तो वी फोर का जो ऑर्डर है वो फोर है, एलिमेंट्स के ऑर्डर टू है, तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा जी, ये एक अबिलियन ग्रुप है क्योंकि हर एलिमेंट का ऑर्डर टू है और वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, तो ये एक अबिलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर फोर है। अब इसमें नंबर ऑफ इन्वोलेशन तीन है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन है, बाकी तीनों एलिमेंट का ऑर्डर टू है, तो इसका मतलब इसमें इन्वोलेशन की जो तादाद है वो हमारे पास तीन है। फिर ये स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, इसके ऊपर हम एक लादा लेक्चर में रखेंगे कि आपको एक ग्रुप का ऑर्डर अगर पता हो तो आप कैसे बताएंगे कि वो साइक्लिक है, अबिलियन है, स्मॉलेस्ट साइक्लिक क्या होता है, स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन, ये सारे हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो वी फोर एक स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, मीन्स ऑर्डर वन भी साइक्लिक होता है, ऑर्डर टू भी साइक्लिक होता है, ऑर्डर थ्री भी साइक्लिक होता है, ऑर्डर फोर के दो ग्रुप होते हैं, एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है। वी फोर एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो ये स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ये भी पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, तो वी फोर इज अ स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप। अच्छा जी, फिर ये एक पी ग्रुप है। पी ग्रुप क्यों है, क्योंकि फोर है तो इसको हम टू का स्केल लिख सकते हैं, एक प्राइम नंबर की स्केल में लिख सकते हैं, तो ये एक पी ग्रुप है। अब ये अबिलियन है, तो अबिलियन के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि अबिलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो ग्रुप के ही इक्वल होता है, तो जेड ऑफ वी फोर इज इक्वल टू वी फोर। इसमें चार एलिमेंट है, रेक्टेंगल में भी चार साइडें होती हैं, तो ये उसकी सिमेट्रीज होती है रेक्टेंगल की, या इसको अपने ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है डाईहेड्रल ग्रुप की। डाईहेड्रल ग्रुप हमारे पास होता है वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होता है ऑफ रेगुलर एनगोन, यानी रेक्टेंगल जो था वो फोर साइडेड शेप थी, अगर वो फाइव साइडेड सिक्स साइडेड के हर साइड पे का लेंथ भी सेम हो और उसका वहां पे जो एंगल बन रहा है वो भी सेम हो, तो हम कहते हैं कि रेगुलर एनगोनल शेप है। एनगोनल से मुराद है कि आप जितनी साइड ले रहे हैं। अच्छा जी, डाईहेड्रल ग्रुप को हम डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रोटेशन किसी भी शेप का वो 2π/n होता है, यानी कि अगर एक शेप आपसे पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगल है वो कितने एंगल पे रोटेट करेगी, तो आपने देखना है कि रेक्टेंगल के अंदर चार साइडें होती हैं, तो आप 2π/4 निकालें, 360/4 90 आता है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल 90 के एंगल पर रोटेट करती करेगी कि उसकी ओरिजिनल शेप चेंज नहीं होगी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, तो आप 360 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 120, तो इसका मतलब ट्रायंगल जो है ना 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करती है। इस तरह आपके पास फाइव साइडेड है, सिक्स साइडेड है, उसको जस्ट 360 पे आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने एंगल पे रोटेट करेगी। अच्छा जी, डाईहेड्रल ग्रुप जो होता है ना वो ग्रुप, ये ग्रुप जनरेट होता है रोटेशन से और रिफ्लेक्शन से। डाईहेड्रल ग्रुप जो है वो रोटेट होता है रिफ्लेक्शन रोटेशन से, आर से मुराद रोटेशन है और एस से मुराद है रिफ्लेक्शन। तो आर का ऑर्डर जो है वो एन होगा, कि जितना ये एन है वही आर का ऑर्डर होगा। आर एक एलिमेंट है, रोटेट है, अब उसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब रेक्टेंगल है, आपने एक दफा रोटेट किया वो आपका आर आ गया, फिर आपने रोटेट किया वो आर स्क्वायर हो गया, फिर आपने रोटेट किया वो आर क्यूब हो गया, फिर आपने रोटेट किया, जब आप उसको चौथी दफा रोटेट करेंगे ना तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी शेप है जो पहले से मौजूद थी। तो रोटेशन का ऑर्डर वही ऑर्डर है जो यहाँ पे एन लिखा होगा। एस का ऑर्डर जो रिफ्लेक्शन है, इसका ऑर्डर हमेशा वन होगा। इसके अलावा ये रिलेशन होता है कि आर एस जो होता है ना वो एस आर माइनस वन के इक्वल होता है। ये रिलेशन आपने याद रखना है डाईहेड्रल ग्रुप के लिए, ये बहुत यूज होता है। हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो हम ये वाला रिलेशन जो है उसको यूज करेंगे। और इसमें एन, क्योंकि ये एक रेगुलर एन कॉन शेप होती है, और आपको पता है कि थ्री साइडेड शेप जो होती है वो क्लोज शेप होती है, स्मॉलेस्ट जो है, इससे अगर आप टू साइडेड शेप बनाएंगे ना तो वो क्लोज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि एन के ऊपर कंडीशन है कि वो डाईहेड्रल ग्रुप में एन जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होता है। जैसे मैंने ये डी फोर लिखा है, अब डी फोर के एलिमेंट क्या होंगे, सबसे पहले आर होगा, फिर आर स्केयर होगा, फिर आर क्यूब होगा, फिर आर फोर होगा, ये फोर है तो ये आर फोर वन के इक्वल होगा, फिर एस है,
एस स्क्वायर मैंने इसे नहीं लिखा कि एस स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट पहले भी जो है, फिर एस आर टू एस आर थ्री, तो ये इसके अंदर आपने जो प्रोडक्ट जो है ना वो एन माइनस वन तक जाएगी, रोटेशन एन तक जाएगी और ये प्रोडक्ट एन माइनस वन तक जाएगी, पहले एस आएगा फिर एस आर फिर एस आर स्क्वायर। अच्छा जी, इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ग्रुप का ऑर्डर। तो डी एन के अंदर टू एन एलिमेंट होंगे, जैसे ये डी फोर है तो एन की वैल्यू फोर है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी फोर के अंदर आठ एलिमेंट होंगे, डी फाइव के अंदर टेन एलिमेंट होंगे, डी टेन के अंदर ट्वेंटी एलिमेंट होंगे, जितना एन होगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना उस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास वो बन जाएगा। अच्छा जी, डी एन इज नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन ग्रुप, ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है और नॉन अबेलियन ग्रुप होता है डी एन जो है, एन के ऊपर कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अच्छा जी, उसके बाद एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं डी एन के अंदर वो देख लें जरा, कुछ एलिमेंट का मैं आपको बताता हूँ। डी फोर आपके सामने लिखा हुआ है, आर आर स्केर आर क्यूब आर फोर इज इक्वल टू वन, फिर एस एस आर स्केर एस आर क्यूब। तो सबसे पहले आर का ऑर्डर तो हमें पहले पता होगा कि आर का ऑर्डर फोर है, जितना एन होगा उतना आर का ऑर्डर होगा। आर स्केयर का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो आर स्केयर का आपने टू पावर ले ली है, वन पावर से स्टार्ट नहीं करना क्योंकि वन पावर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है। तो आपने आर स्केयर जो है उसका ऑर्डर निकालना है, तो आर स्केयर की पहले टू पावर लें तो वो आर फोर हो जाएगा, तो आर फोर वन के इक्वल है तो इसका मतलब आर स्केयर का ऑर्डर जो है वो टू है, क्योंकि आर स्केयर की टू पावर लें तो वो आइडेंटिटी आंसर दे देता है। फिर आर क्यूब की पहले टू पावर लें वो आर सिक्स आएगा, आर सिक्स को हम आर फोर आर स्केयर लिख सकते हैं, आर फोर वन होता है तो ये आर स्केयर आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। फिर टू के बाद उसकी थ्री पावर लें उस पर भी आइडेंटिटी नहीं आया, फिर फोर पावर लें तो उस पर आइडेंटिटी आंसर आ गया, इसका मतलब आर क्यूब जो है उसका ऑर्डर जो है वो फोर है। अब आर फोर क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आर फोर का ऑर्डर वन होगा। अच्छा, एस का ऑर्डर हमने पहले डेफिनेशन में बता दिया कि एस का ऑर्डर हमेशा टू होगा। फिर उसके अलावा एस आर का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो एस आर का आप स्केयर ले लें, उसकी पहले टू पावर लें, स्केयर को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं एस आर फिर इसको ब्रैकेट कंबाइन कर लें आर एस, और जो ऊपर मैंने रिप्रेजेंटेशन में लिखा था कि आर एस जो है वो एस आर माइनस वन के इक्वल होगा, इसको हल किया वन आंसर आया, तो इसका मतलब एस आर का ऑर्डर जो है वो टू है। फिर एस आर स्केयर का स्केयर निकाल लिया, उसका हमने ऑर्डर निकाला, फिर एस आर क्यूब, इस तरह बारी बारी सबके ऑर्डर निकालेंगे तो वो ये आप इस तरीके से जो है ना टू ऑर्डर आपके पास आते जाएंगे। तो ये हमारे पास डाईहेड्रल ग्रुप होता है, इसके अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाईहेड्रल ग्रुप जो होते हैं उसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं और एलिमेंट के जो है वो ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद सेंटर होता है, सेंटर ऑफ डाईहेड्रल ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाईहेड्रल ग्रुप का सेंटर कैसे निकालते हैं। अगर तो एन ऑड हो तो उसका सेंटर आइडेंटिटी होता है, ठीक है जी, और अगर एन इवन हो तो उसके सेंटर में दो एलिमेंट आते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो मैंने पहले बताया था कि सेंटर में आना ही आना है उसने, लेकिन अगर एन इवन हो तो रोटेशन की आप एन बाय टू कैलकुलेट कर लें वो उसका सेंटर बन जाएगा। जैसे देखें डी नाइन, नाइन एक ऑड नंबर है तो जेड ऑफ डी नाइन हमारे पास आइडेंटिटी है। अगर आप डी ट्वेंटी का निकालना चाहते हैं तो डी ट्वेंटी में ट्वेंटी क्योंकि इवन है तो आपको पहला तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये तो आना ही आना है, फिर आप 20 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 20 बाय 2 इज इक्वल टू आर पावर 10, तो जी डी 20 का जो ऑर्डर है वो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और आर रेज पावर 10 ये दो आएंगे। तो आप डी 10 डी 16 डी 15 किसी भी एलिमेंट का किसी भी आपके डी एन का अगर सेंटर पूछ लिया जाता है तो आपने ये देखना है कि एन इवन है या ऑड है, एन से मतलब डिग्री है, ऑर्डर जो है वो टू एन है, आपने जस्ट ये देखना है कि एन जो है वो इवन है कि ऑड है, अगर वो ऑड है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही उसका सेंटर है और अगर इवन है तो उसमें दो एलिमेंट आएंगे, एक आइडेंटिटी आएगा और एक आर की पावर एन बाई टू, जितना एन है उसको हाफ कर दें वो आर की पावर बना दें तो इसमें दो एलिमेंट सेंटर के अंदर आ जाएंगे। समटाइम वो आर एस की जगह पे ए बी भी यूज कर लेता है, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो पहला एलिमेंट रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा आर को और दूसरा एलिमेंट जो है वो एस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है यू ऑफ एन, इसको हम यू ऑफ एन क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा सेट होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड रिलेटिव प्राइम टू एन, रिलेटिव प्राइम टू एन का मतलब है कि उन दोनों एलिमेंट का जीसीडी वन होगा। अब पहले हम ये देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि यू ऑफ एन कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यू ऑफ एट लिखे हैं तो आपने इसमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो एट से छोटे हों और एट के साथ रिलेटिव प्राइम हो। अब वन तो आना ही आना है, वन सबके साथ रिलेटिव प्राइम होता है, टू एट के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है क्योंकि टू और एट का जो जीसीडी है वो टू है, तो वो टू के साथ एट के साथ रिलेटिव प्राइम से टू नहीं आएगा, थ्री और एट का जीसीडी वन है
तो ये थ्री इसमें आ जाएगा, फोर और एट, फोर नहीं आएगा क्योंकि फोर का एट के साथ जो जीसीडी है वो फोर है, फाइव और एट का जीसीडी वन है, सेवन और एट का जीसीडी वन है, तो यू ऑफ एट के अंदर चार एलिमेंट हमारे पास आएंगे। यू ऑफ 15 जो होगा, अब 15 के साथ रिलेटिव प्राइम देख लें कितने हैं, वन तो आना ही आना है, टू भी इसके साथ रिलेटिव प्राइम है, फोर थ्री इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है क्योंकि थ्री और 15 का जो है ना जीसीडी निकालें तो हमको थ्री आता है, तो हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जिनका 15 के साथ जीसीडी वन हो, सेवन का इसके साथ जीसीडी वन है, एट का, इलेवन का, थर्टीन का, फोर्टीन का, सब एलिमेंट का जीसीडी जो है ना वो इसके साथ वन है। फिर नाइन है, जो नाइन के साथ जीसीडी देखेंगे तो वन टू फोर ये वो एलिमेंट है जिसका नाइन के साथ जीसीडी वन है। इलेवन, इलेवन क्योंकि प्राइम है इटसेल्फ, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो तो उसमें एन माइनस वन एलिमेंट आएंगे, तो यू ऑफ इलेवन आप लिखना चाहते हैं तो वन से टेन तक आप एलिमेंट जो है ना वो लिखेंगे। बाकी आपके पास ग्रुप का ऑर्डर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें कि आपने किस कैसे, और मतलब आपसे पूछा जाए कि U20 का ऑर्डर बताएं, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको पहले U20 लिखना पड़ेगा, U20 लिखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसका ऑर्डर कितना है। लेकिन अगर एन प्राइम हो जैसे यू ऑफ इलेवन फिर आप ऑर्डर बता सकते हैं, क्योंकि अगर वो नंबर खुद ही प्राइम है तो उससे छोटा हर नंबर ही उसके साथ रिलेटिव प्राइम होना है, तो अगर एन प्राइम हो तो उस यू ऑफ एन का ऑर्डर जो है वो एन माइनस वन होता है। फिर उसके बाद अब ये रिजल्ट देखते हैं कि यू ऑफ एन जो होता है ना वो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा कम्यूट करते हैं, तो यू ऑफ एन इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, अगर अबेलियन ग्रुप है तो इसका जो सेंटर होगा वो यू ऑफ एन ही इक्वल होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा और इस पे ऊपर वर्क करते हैं, यू ऑफ एट इसका एक टेबल बनाते हैं, सिकेले टेबल कहते हैं, ये आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए इसको, इस टेबल के बहुत सारे फायदे हैं, ये टेबल कंस्ट्रक्ट करके आप जो है ना किसी ग्रुप को बड़ी इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे आप, आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट रो के अंदर ग्रुप को लिखना है, यू ऑफ एट हमारे पास वन से सेवन तक था, तो फर्स्ट रो के अंदर आपने वन थ्री फाइव सेवन और फर्स्ट कॉलम के अंदर वन थ्री फाइव सेवन, और यहाँ पे आपने ऑपरेशन लिखना है जिसके रिस्पेक्ट से आप ग्रुप को चेक कर रहे हैं। अभी आपने फिल कैसे करना है, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन आ गया, वन को थ्री से, वन को फाइव से, वन को सेवन से, तो वन को इन सब से मल्टीप्लाई करके आपने वन के सामने वाली रो के अंदर लिख देना है। फिर आप थ्री ले लें, थ्री को वन से किया थ्री आया, थ्री को थ्री से किया नाइन आया, जब भी आंसर एट से बड़ा आएगा तो आपने एट उसमें से माइनस कर देना है, तो थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन में से आप एट माइनस करेंगे तो वन रह जाएगा, फिर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन में से एट माइनस करें वो सेवन रह जाएगा, फिर थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन में से एट माइनस करें तो आपके पास थर्टीन आया, थर्टीन स्टिल एट से ज्यादा, फिर उसमें से एट माइनस करें तो आपके पास जो है वो फाइव आ जाएगा। सिमिलरली आप फाइव को सबसे मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर हमेशा एट से छोटा होना चाहिए, जैसे वो एट से बड़ा हो आप उस एट उसमें से माइनस कर दें, तो इस तरीके से आपने ये ग्रुप को जो है ना कंस्ट्रक्ट, टेबल जो को आपने कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें देखें तो पूरे ग्रुप के अंदर जो आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं वो यू ऑफ एट के ही एलिमेंट है, वन थ्री फाइव सेवन, इसके अलावा आपको कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन यू ऑफ एट। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आप देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट वन भी मौजूद है सेट के अंदर, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इनवर्स हम निकाल लेते हैं, थ्री का इनवर्स जो है वो थ्री है, थ्री का इनवर्स थ्री क्यों है, क्योंकि थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें नाइन आया, नाइन में से एट माइनस किया वन आ गया, तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब थ्री का इनवर्स थ्री है, फाइव का इनवर्स फाइव है, सेवन का इनवर्स जो है वो सेवन है, इन सब के ऑर्डर जो है वो टू है, इसका मतलब इसमें थ्री फाइव सेवन जो है वो इन्वोल्यूशंस हैं क्योंकि इन सब के ऑर्डर जो है वो टू है। तो अगर आप टेबल ये बना लेते हैं ना, उस टेबल से आपको एलिमेंट का ऑर्डर निकालना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब यू ऑफ एट जो है वो नॉन साइक्लिक है क्योंकि सबके ऑर्डर टू है, तो सबके ऑर्डर टू है तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमारे पास फोर है, तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये नॉन साइक्लिक, लेकिन ये अबेलियन ग्रुप है ये हमारे पास। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इन तीनों एलिमेंट के ऑर्डर टू है, तो क्लाइन फोर ग्रुप में भी तीनों एलिमेंट के ऑर्डर टू थे, तो यू ऑफ एट जो होता है ना वो आइसोमॉर्फिक होता है क्लाइन फोर ग्रुप के, मीन्स क्लाइन फोर ग्रुप और यू ऑफ एट एक ही बात है दोनों, ये दो डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ये एक ही ग्रुप है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है। यू ऑफ नाइन को हम देखते हैं, उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आपने, कैसे करना है, नाइन के फर्स्ट रो के अंदर आप एलिमेंट लिख लें, यू ऑफ नाइन के फर्स्ट कॉलम में भी लिख लें, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, वन क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वन सबसे मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आपको दे देगा, टू को मल्टीप्लाई करें, टू इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, टू इंटू फोर एट, टू इंटू फाइव टेन, टेन आ गया तो नाइन उसमें से माइनस करते हैं वन लिखते हैं, फिर टू इंटू सेवन फोर्टीन उसमें नाइन माइनस करते हैं फाइव आ गया, फिर टू इंटू एट सिक्सटीन उसमें से नाइन माइनस करते हैं वो सेवन आ गया,
इस तरह से 4 को, फिर 5 को, फिर 7 को, सबको इनसे मल्टीप्लाई करके अपने इनके सामने लिखते जाना है। अब देखिए हम इसको ग्रुप चेक करना बहुत इजी है। ये सबसे पहले तो ये देखें कि जितने आपको नंबर नजर आ रहे हैं टेबल के अंदर वो सारे के सारे यू ऑफ 9 के ही एलिमेंट हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन है मल्टीप्लीकेशन। फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं। और फिर ये इसके अलावा अगर आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखें 1 तो मौजूद है। अब इसमें हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। सबसे पहले सॉरी इनवर्स देखते हैं तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया था 5 से। आइडेंटिटी एलिमेंट आया इसका मतलब 2 का इनवर्स 5 है और 5 का इनवर्स जो है ना वो 2 है। फिर 4 का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो 4 में आप देखें कि हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आया था। 4 को हमने 7 से किया तो 1 आया था। इसका मतलब है कि 4 का जो हमारे पास इनवर्स है वो 7 है और 7 का इनवर्स जो है वो 4 है। फिर हम 8 का देखते हैं। 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 8 से तो 1 आया तो 8 का इनवर्स 8 ही है। तो 8 का इनवर्स सेल्फ इनवर्स है और जो सेल्फ इनवर्स होता है उसका ऑर्डर 2 होता है। तो 8 इसका मतलब इसके अंदर एक इन्वोल्यूशन है। अब हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे ये मैंने यहाँ पे बल्कि ये देखें जरा। सबसे पहले आप देखें तो 5 का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो 5 का पहले 2 पावर लें 25 आएगा। 25 में से 9 माइनस करें 17 17 में से आप फिर 9 माइनस करें तो आपके पास 8 आ गया। फिर आप उसकी क्यू पावर लें 5 की उसमें से 9 माइनस करते जाएं फिर 4 पावर लें फिर 5 पावर लें। तो ये मैंने यहाँ पे किया 5 के पावर 1 लें 5 का स्केयर लें 25 उसमें से 2 टाइम हमें 9 माइनस करना पड़ेगा तो 7 आएगा। आइडेंटिटी नहीं आया। फिर 5 की 3 पावर लें 125 आया उसमें हमें 13 दफा 9 को माइनस करना पड़ेगा तो हमारा आंसर 9 से छोटा आएगा। फिर आइडेंटिटी नहीं आया। फिर हम उसकी 4 पावर लेंगे 625 आएगा उसमें से हमें 69 टाइम 9 को माइनस करना पड़ेगा तब हमारा आंसर 9 से छोटा आएगा। फिर हम 5 के पावर 5 लें इतना आएगा उसमें से इतने टाइम 9 को माइनस करना पड़ेगा 2 आंसर आएगा। फिर 5 के पावर 6 लें उसमें से इतने टाइम हमें 9 को माइनस करना पड़ेगा तो 2 आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी हमारे पास। इसका मतलब 5 का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 6 है। अच्छा जी 2 का ऑर्डर 6 है वो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 4 का ऑर्डर 3 है। डिफरेंट पावर लेते जाएं उसमें से 9 माइनस करते जाएं जिस पावर पे वो आइडेंटिटी दे देगा वो उस एलिमेंट का जो है वो ऑर्डर है। अच्छा जी यहाँ से दो तीन बातें आप देखें। जो यू ऑफ 9 है उसका ऑर्डर 6 है 1 2 3 4 5 6 छह एलिमेंट है तो यू ऑफ 9 का ऑर्डर 6 है। 5 का ऑर्डर भी 6 है तो इसका मतलब है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। क्यों साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है पहली बात हो गई। अब किसका ऑर्डर 5 का ऑर्डर इसके 6 बराबर है तो इसका मतलब 5 का ऑर्डर जो है 5 इसका जनरेटर है। अब 5 का इनवर्स क्या है 5 का इनवर्स हमारे पास 2 है तो 2 भी इसका जनरेटर है। देखिए जो एलिमेंट जनरेटर होता है उसका इनवर्स भी उसका जनरेटर होता है यानी कि इस पूरे ग्रुप को हम 5 से भी जनरेट कर सकते हैं 2 से भी जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो 5 का ऑर्डर भी 6 है 2 का ऑर्डर भी 6 है तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हैं तो ये दोनों जो है ना उसके जनरेटर हैं। अच्छा जी एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमें एक ग्रुप दिया जाता है और वो पता हो कि ये साइक्लिक है लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके जनरेटर कितने हैं तो हम ये भी बता सकते हैं किसी ग्रुप के ऑर्डर को देख के हम बता सकते हैं कि इसके जनरेटर कितने अगर वो साइक्लिक है। जैसे यू ऑफ 9 का ऑर्डर 6 है आपने ये सारा वर्क नहीं किया मैंने मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 6 है वो साइक्लिक ग्रुप है तो आप बताएं कि उसका जो उसके कितने जनरेटर होंगे तो आपने क्या करना है ग्रुप के ऑर्डर के साथ ये देखना है कि ग्रुप के ऑर्डर के साथ कितने नंबर रिलेटिव प्राइम है। जैसे इस केस में 6 है 6 के साथ एक 1 रिलेटिव प्राइम होता है और एक 5 रिलेटिव प्राइम होता है 2 3 4 इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है तो इसके 6 के साथ सिर्फ 2 रिलेटिव प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब है कि ये इसके 2 जनरेटर होंगे और वो हमने फाइंड किए हैं 2 और 5। तो ये सारी अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि एक साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है ना वो 10 है लेट्स सपोज तो आप बताएं कि उसके जनरेटर कितने होंगे। अब आपने देखना है कि 10 के साथ रिलेटिव प्राइम कितने हैं एक 1 उसके साथ रिलेटिव प्राइम होता है एक 3 उसके साथ रिलेटिव प्राइम होता है एक हमारे पास उसके साथ 7 रिलेटिव प्राइम होता है एक उसके साथ 9 रिलेटिव प्राइम होता है 4 10 के साथ 4 नंबर रिलेटिव प्राइम है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 10 का जो साइक्लिक ग्रुप है उसके 4 जनरेटर होंगे। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को आप लिख लें ये मैं आप साइक्लिक ग्रुप के अगला लेक्चर रखेंगे उसमें आपको सारी चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किसी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर जो होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना पूरे ग्रुप को 5 से जनरेट कर सकते हैं।
हर फाइव की डिफरेंट पावर लें तो ये आपके पास पूरा ग्रुप बन जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको फाइव को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल एन बाई एन मैट्रिसेस ओवर अ फील्ड विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट, कि आपके पास ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनके डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो इसलिए हो ताकि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, उनको इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एल एन क्यू से। और फिर एक तो हो गया कि ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, मीन कुछ भी आंसर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। फिर हमने उन तमाम डिटरमिनेंट में से वो डिटरमिनेंट लैदा कर लिए जिनका आंसर वन था। अब वो हमने इसलिए अदा कर लिया क्योंकि हम एक अलहदा इससे उसका ग्रुप बना लिया, उसको हमने कह दिया स्पेशल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप में वो मैट्रिसेस आते हैं जिनके जो के जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, मींस कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल लीनियर ग्रुप में सिर्फ वही मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो है ही लेकिन उसका आंसर वन होगा। यानी कि ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट वन के इक्वल होगा उन सबकी जो कलेक्शन होगी उसे हम कहेंगे कि वो स्पेशल लीनियर ग्रुप है, तो उसको हम एस एल एन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ऑर्डर निकालने के फॉर्मूले हैं, ये ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर मतलब ग्रुप का ऑर्डर आपने कैसे निकालना है ये उसका फॉर्मूला है, क्यू रेज पावर एन माइनस वन, क्यू रेज पावर एन माइनस क्यू, ये सारा। जैसे अगर एन हमारे पास टू है, यानी कि मैट्रिसेस जो है उनका ऑर्डर टू बाई टू के मैट्रिसेस हैं और एलिमेंट आपने जी थ्री से लेने हैं, तो आपका क्यू जो है वो थ्री है और n आपका 2 है, इस फॉर्मूले में पुट करें तो आपका आंसर 48 आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप 2 बाय 2 मैट्रिसेस के देखना चाहते हैं Z3 के अंदर कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं तो उसका 48 बना सकते हैं। और अगर आप स्पेशल लीनियर ग्रुप का देखना चाहते हैं तो उसका ये फॉर्मूला जस्ट जो जनरल लीनियर का निकाला उसको क्यू माइनस वन से आप डिवाइड कर दें, तो अगर यही फील्ड हो यही ऑर्डर के मैट्रिसेस हो तो 24 उसमें ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका डिटरमिनेंट 1 होगा, टोटल 48 है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, उसमें 24 ऐसे होंगे जिनका डिटरमिनेंट वन होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर निकालना और स्पेशल लीनियर ऑर्डर का ग्रुप निकालना, ऑर्डर निकालना, ये दोनों आपको इसमें आने चाहिए। फिर ये सिमेट्रिक ग्रुप होता है हमारे पास, सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर हम एक अलग पूरा लेक्चर रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें पेपर में पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से। सिमेट्रिक ग्रुप का यहाँ पे हम डेफिनेट डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक एक्स सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्स टू एक्स, उसको हम कहते हैं वो परम्यूटेशन ऑन ग्रुप, परम्यूटेशन ऑन सेट। अच्छा जी, अब एक सेट के ऊपर जितनी आप परम्यूटेशन डिफाइन करते हैं उन सब की जो कलेक्शन होती है ना उसे हम कहते हैं वो परम्यूटेशन ग्रुप है। तो सेट सेट SN ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑन अ सेट X विद N एलिमेंट्स अंडर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन, उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है ना वो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन होता है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हमने पहले पढ़ा था एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो परम्यूटेशन के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना वो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन होता है। इसके एग्जांपल देखते हैं, X हमारे पास सेट है 1 2 3, मैपिंग है X से X के ऊपर, क्योंकि हमने डिफाइन इसको ऐसे किया कि आप बाइजेक्टिव मैपिंग x से x के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि वो एक परम्यूटेशन है। अब आप 1 2 3 से 1 2 3 के ऊपर ही आपने बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करनी है तो आप कितने कर सकते हैं, ये 6 तरह के आप मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो पहली तो आइडेंटिटी है कि 1 के 1 के ऊपर हो, 2 2 के ऊपर हो, 3 3 के ऊपर हो। फिर 1 1 क्योंकि हम बना रहे हैं तो बाइजेक्टिव सॉरी बना रहे हैं तो बाइजेक्टिव में 1 1 के होने चाहिए और ऑन 2 के होने चाहिए। दूसरी मैपिंग आप इस तरह से बना सकते हैं, फिर इस तरह से मैपिंग बना सकते हैं, फिर ये एक मैपिंग ये बना सकते हैं। तो 6 मैपिंग है, 6 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। 6 पॉसिबिलिटीज क्यों है उसको भी हम अभी देखते हैं। अच्छा जी, इसको इस मैपिंग हम पहले यूज कर रहे हैं तो सिमेट्रिक में हम इस तरीके से लिखेंगे परम्यूटेशन को कि 1 1 के ऊपर मैप हो रहा है तो मैं इसको ब्रैकेट में 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, बीटा को मैं 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 1 और 3 के नीचे 3। इसका क्या मतलब है कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है, यानी कि जो चीज ये लिखी है उसको इस फॉर्म के अंदर लिखा है। तो ये हमारे पास इसमें अल्फा के इक्वल होता है, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर होता है। अच्छा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है एस एन की, ये अल्फा बीटा से होते हैं जनरेट होते हैं। अल्फा का ऑर्डर एन होता है और बीटा स्केयर होता है और प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो टू के इक्वल होता है, प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो टू होता है। तो अगर आप देखें तो ये डाई हेडल ग्रुप से इसकी रिप्रेजेंटेशन मिलती जुलती है, लेकिन डाई हेडल कुछ और है, स्मिटी ग्रुप कुछ और है, इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलती जुलती है, वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जनरेट होते हैं, ये बाइजेक्टिव मैपिंग्स होती हैं। तो एस एन का ऑर्डर क्या होगा SN का? अब अगर हमने आपको याद हो कि हमने एक देखा था नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ा था n फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन भी क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शंस ही होते हैं तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो n फैक्टोरियल ही होगा, मतलब S3 है। S3 का मतलब है कि हम एक
ऐसे सेट के ऊपर मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जिसमें तीन एलिमेंट हैं, जैसे ये एक्स हमने ऊपर किया था, एक्स में तीन एलिमेंट थे, तो एस थ्री का ऑर्डर क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, भी हमने ऊपर सिक्स एलिमेंट बनाए थे। अगर एस फोर हो, यानी कि चार एलिमेंट हो सेट के अंदर, उन चार एलिमेंट के ऊपर जो बाइजेक्टिव मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी, जो फोर फैक्टोरियल, तो फोर फैक्टोरियल क्या होता है, 24, इसका मतलब एस फोर के अंदर 24 एलिमेंट होते हैं। अब एस फाइव के एलिमेंट तादाद निकाल लें, ग्रुप के ऑर्डर यानी कि आप निकालते जाए। अच्छा जी, इसका सेंटर बड़ा आसान है, क्या आपके पास एस थ्री हो, एस फोर हो, एस फाइव हो, एस सिक्स हो, कुछ भी हो एस एन, सेंटर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका सेंटर बहुत ईजी याद रखना है, सिमेट्रिक ग्रुप का सेंटर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कम्यूट नहीं करते। जब इसको हम डिटेल्स देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि क्यों इसमें एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते, आइडेंटिटी के अलावा कोई भी कम्यूट नहीं करता, तो इसका सेंटर हमेशा आइडेंटिटी होगा। अच्छा जी, एस एन जो होता है वो नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। हम देख सकते हैं कि इसमें किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं होता, तो ये नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन ग्रुप है, और ये भी थ्री से स्टार्ट होता है। फिर इसमें एस थ्री जो है ना वो स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है। स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप इसलिए है कि ऑर्डर वन का ग्रुप होता है वो भी अबेलियन होता है, क्योंकि वो ट्रीवियल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके अंदर। ऑर्डर टू और थ्री ये दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के जो ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, और साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है। इसका मतलब ऑर्डर टू और थ्री के ग्रुप ही अबेलियन हुए। ऑर्डर फोर का जो ग्रुप होता है वो भी अबेलियन होता है, हमने पीछे पढ़ा है प्राइम फोर ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप है। ऑर्डर फाइव, फाइव एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है, और साइक्लिक ग्रुप जो अबेलियन होता है, तो इसका मतलब ऑर्डर फाइव का ग्रुप ही एक अबेलियन ग्रुप है। तो ऑर्डर फाइव तक जितने ग्रुप होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव ऑर्डर के, सारे अबेलियन होते हैं। ऑर्डर सिक्स का जो एलिमेंट, ऑर्डर सिक्स जो होता है ना उसका, वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, वो हमारे पास एस थ्री होता है। तो S3 हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है। जैसे हमने क्लाइन 4 ग्रुप पढ़ा था कि वो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख लें कि S3 जो है वो एक स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो ये हमारा कुछ लेक्चर था, यहाँ तक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ये सारी चीजें आपके पास फिंगर टिप्स होनी चाहिए। अच्छा जी, एस थ्री पी ग्रुप नहीं है, अब आपको समझ आ गई कि पी ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि सिक्स जो है वो हमें एक ऐसा सिंगल प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास जिसकी पावर लें और सिक्स आ जाए, तो हमारे पास दो प्राइम नंबर है, टू और थ्री, टू की पावर वन लें, थ्री की पावर वन लें, इनको मल्टीप्लाई करें फिर सिक्स आता है, लेकिन हमें एक सिंगल प्राइम नंबर चाहिए, तो ये पी ग्रुप नहीं है हमारे पास। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनकी आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। जब भी आप किसी ग्रुप को डिस्कस करें, आपके फौरी माइंड में आए कि अबेलियन है कि नहीं, साइक्लिक है कि नहीं, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, ये पी ग्रुप है कि नहीं, ये सेंटर है कि नहीं, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपने राइट अप करना है, और आपको अगर इसमें लेक्चर में कुछ भी पॉइंट अगर आपको ना समझ आया हो तो आपने उसको डिस्कस करना है, लाजमी कुछ भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि जिस पॉइंट को आपने मिस कर दिया वो दोबारा क्लियर नहीं होना फिर, तो आपने लाजमी इसको जो है ना डिस्कस करना है। कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपको गाइड करूंगा उसके लिए। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।